नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम मिस्टर वास्तु में। शुभ कार्य करने के लिए शुभ नक्षत्र या मुहूर्त की जरूरत होती है। उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा नक्षत्र का नाम बता रहा हूं जो सभी कार्यों के लिए उत्तम रहेगा, कुछ कार्यों को छोड़ के। इस पे मतभेद हैं वैसे। उस नक्षत्र का नाम है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा की एक ही राशि होती है, कर्क राशि, और कर्क राशि में जो चंद्रमा है स्वयं इस नक्षत्र के चारों चरणों में विद्यमान रहते हैं, और चंद्रमा को धन का कारक माना गया है। और इस नक्षत्र में सभी प्रकार के कार्य जो करते हैं उनमें वृद्धि होती है। खरीदारी करेंगे, कुछ बेचना भी हो तो भी ये अच्छा समय होता है। सोना खरीदना, चांदी खरीदना सबसे उत्तम इस नक्षत्र में माना गया है। किसी भी कार्य का कोई प्रशिक्षण आपने लेना है, कोई ट्रेनिंग लेनी है, इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर की, ब्यूटी पार्लर की, कपड़ों की सिलाई की, और भी किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण लेना है, कोई ललित कला यानी ऐसी चीज का, एक्टिंग का ले लीजिए, गाने का ले लीजिए, म्यूजिक का ले लीजिए, किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण आप शुरू कर रहे हैं तो उस प्रशिक्षण को तो ये कंप्लीट करा के ही देगा। उसके साथ साथ इसकी एक खासियत है कि उस प्रशिक्षण को लेने के बाद जो आपका मुख्य उद्देश्य है रोजगार या धन प्राप्ति, उसमें भी ये वृद्धि कारक बनता है और वृद्धि देता है। इस नक्षत्र को एक मांगलिक तारा बोलते हैं, और मांगलिक तारा का मतलब है कि कोई भी शुभ काम आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई दुकान खोलनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई पार्टनरशिप शुरू करनी है, कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो ये नक्षत्र उन कामों के लिए अति उत्तम है और उनमें ये पूर्णता देगा, कंप्लीशन देगा, और रिजल्ट आपके फेवर में पॉजिटिव आएंगे। पुष्य नक्षत्र को धन संपदा देने वाला माना गया है, और प्राचीन नाम ही इसका ये है, सुख संपदा देने वाला। विद्वान लोग इस नक्षत्र को शुभ भी मानते हैं, कल्याणकारी भी मानते हैं। एक खासियत और है इस नक्षत्र की, ये गाय के थन का प्रतीक माना गया है। गाय के थन से हमें अमृत प्राप्ति होती है और उसी से मानव कल्याण होता है। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी गाय का दूध अमृत समान होता है। ऐसे ही इस नक्षत्र का फल शरीर पर और मन पर दोनों रूप से पड़ता है, और आदमी व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और धन के रूप में भी उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। इस नक्षत्र के बारे में एक और खासियत है कि इस नक्षत्र में कोई भी आप काम करेंगे, कोई प्रशिक्षण ले रहे हैं, डांस का प्रशिक्षण ले रहे हैं, किसी भी तरह का नजर दोष नहीं लगेगा उस पर, जादू टोने का भी कोई असर नहीं होता। इस नक्षत्र की एक खासियत होती है। वैसे ये शनि का नक्षत्र बोलते हैं। शनि का मतलब होता है कि कोई भी कार्य धीरे धीरे होगा लेकिन कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा। शनि जो है पूर्णता यानी कंप्लीशन के देव हैं। अब एक बात और बोलते हैं, अगर ये नक्षत्र शुक्रवार को पड़ रहा है तो इस नक्षत्र की थोड़ी सी शुभता कम हो जाती है, ऐसा ज्योतिष में बोला जाता है। तो इस दिन अगर शुक्रवार पड़ रहा है और ये नक्षत्र आ रहा है तो कोई नया काम यानी नई दुकान ना खोलें, अन्यथा उसमें उतनी उन्नति प्रगति के चांस नहीं रहेंगे जितना आप चाहते हैं। हो सकता है उसमें कुछ घाटा भी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, धन का नुकसान भी हो सकता है। पुष्य नक्षत्र के लिए दूसरा जो वार है वो बुधवार है। पुष्य नक्षत्र अगर बुधवार को पड़ रहा है तो बुध जो है नपुंसक देव हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं देंगे, इसलिए इस दिन भी पुष्य नक्षत्र पड़ने के बाद भी कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और पुष्य नक्षत्र में सिर्फ एक ही काम ऐसा है जो शुभ काम, मांगलिक काम की मनाही है, और उसका नाम है विवाह संस्कार। कभी भी पुष्य नक्षत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। एक अंतिम काम है जो पुष्य नक्षत्र में नहीं करना चाहिए, वो है ऋण। किसी को ना ऋण देना चाहिए ना इस नक्षत्र में किसी से ऋण लेना चाहिए। अगर ऋण ले लेंगे तो चुकाने में दिक्कत आएगी, और दे दिया तो वहां से वापस आने में परेशानी होगी। दोस्तों,
आप हमारा चैनल पसंद करते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है, धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, और कुछ पूछना हो तो एक व्हाट्सएप नंबर ऊपर दे रहा हूँ, प्रश्न लिखकर भेजिए, जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।